कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा, शहीद हुए जो वीर जवान उनको नमन हमारा। नमस्कार, कारगिल विजय दिवस की जीत की आज रजत जयंती है। आज से 25 साल पहले भारतीय सेना के रणवाकरों ने जो अदम्य शौर्य पराक्रम दिखाया उसकी मिसाल पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखने को मिलती। पाकिस्तान की नापाक मंसूबों को परास्त करते हुए कारगिल में हमारे जवानों ने जीत की जो कहानी लिखी वो आज भी हर भारतीय के दिलों में जिंदा है। कारगिल में भारत की जीत की रजत जयंती के अवसर पर 24 से 26 जुलाई तक कारगिल जिले के द्रास में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचेंगे और वहां चल रहे समारोह में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश के 140 करोड़ भारतीय लोगों की ओर से कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे तो भारत माता के कुर्बान के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की पल पल की तस्वीरें और हम आप तक लेकर आएंगे और साथ ही चर्चा करेंगे हमारे बलिदानियों की शौर्य की गाथाओं पर, देश के रणवाकरों की। इस विषय पे दो खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका परिचय भी हम आपसे कराते हैं। कर्नल गिरीश कुमार जी मेहदीरत्ता जी होंगे जो कि सेवानिवृत्त हैं और करगिल युद्ध में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब भी जुड़ेंगे जो कि पूर्व कोर कमांडर हैं 15th कोर के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और दोनों मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि किस तरीके से तमाम प्रकार का एक बलिदान की कहानी 25 साल पहले देश के रणवाकरों ने लिखी थी। पच्चीस साल पहले यानी 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व है, फक्र है। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई कारगिल की इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान फौज को हराकर वीरता की मिसाल कायम की थी। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। कारगिल एक निर्जन पहाड़ी इलाका जहां आबादी शून्य के बराबर, 6 महीने बर्फ से पूरी तरह ढका होता है और केवल 6 महीने ही आवागमन संभव होता है। लेकिन इतना जटिल क्षेत्र होने के बावजूद सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण, क्योंकि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला श्रीनगर लेह राजमार्ग 1A वहां से होकर गुजरता है। अगर कोई दुश्मन इन चोटियों पर कब्जा कर लेता है तो राजमार्ग 1A बुरी तरह प्रभावित होगा और देश का संपर्क लेह से कट सकता है। इसके अलावा कारगिल ऐसे स्थान पर स्थित है जो 4 घाटियों का प्रवेश द्वार है। इसी कारण पाकिस्तानी सेना लद्दाख में घुसने के लिए सबसे पहले कारगिल को अपना निशाना बनाती रही है। 1999 से पहले 1948 के भारत पाक युद्ध के समय भी पाकिस्तानी सेना ने कारगिल और द्रास क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय सेना ने इस क्षेत्र को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करा लिया था। इसके बाद 1965 और 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने का असफल प्रयास किया था। सामरिक दृष्टि से कारगिल, कश्मीर घाटी, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी सैन्य स्थिति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। 1999 में इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने एक सुनिश्चित योजना के तहत घुसपैठ की थी। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश थी कि लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सड़क पर कब्जा कर इसे बंद कर दिया जाए ताकि सर्दियों के दौरान लद्दाख में जरूरी चीजों की आपूर्ति रुक जाए, साथ ही द्रास और कारगिल पर कब्जा कर नियंत्रण रेखा खुलवाया जा सके। इसके अलावा चुग घाटी, बटालिक और तुर्तुक क्षेत्रों की पहाड़ियों पर कब्जा करके भारत को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके और सबसे बढ़कर नियंत्रण रेखा में बदलाव करना, शिमला समझौते को खत्म करना और कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना था। तो इस षड्यंत्र के महाखलनायक परवेज मुशर्रफ तो उन्हें लगा कि अगर वो कारगिल की हाइट पकड़ लेंगे तो और हाईवे के ऊपर अब तो कंट्रोल करेंगे तो हिंदुस्तान का जो लॉजिस्टिक सस्टेनेंस है, जो जुजिला से होते हुए
लद्दाख जाता है वो नहीं कर पाएगा हिंदुस्तान, और फिर वो सियाचिन के जो यहाँ पे ट्रुप्स है उनको सस्टेन करने में हिंदुस्तान को परेशानी होगी, और पाकिस्तान जो है अपने आप को उस मकाम पर जा पहुंचाएगा जो हिंदुस्तान के साथ बातचीत करेगा और हिंदुस्तान को सियाचिन से निकलवाएगा। पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाने के अपने अभियान को ऑपरेशन बद्र नाम दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस घुसपैठ की योजना अक्टूबर 1998 में ही बना ली थी, और इसी के तहत अक्टूबर 1998 में तत्कालीन पाक सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उत्तरी इलाकों का दौरा किया था। इस योजना के तहत पाक समर्थित घुसपैठिए और सैनिक 1999 के अप्रैल और मई महीने के पहले सप्ताह तक कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो चुके थे। इसके बाद सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अपना एक गश्ती दल भेजा, लेकिन उसे काफी क्षति उठानी पड़ी। घुसपैठियों ने पाकिस्तानी सेना के सहयोग से 9 मई 1999 को कारगिल शहर के बाहर सेना के मुख्य आयुध भंडार को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर गोलाबारी शुरू कर दी। यह घुसपैठियों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने की रणनीति का हिस्सा था। दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले भारत के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के इस नापाक हरकत के लिए भारतीय सेना को उसे कड़ा सबक सिखाने और भारतीय इलाके को खाली कराने की पूरी छूट दे दी। घुसपैठियों की संख्या और फैलाव को देखते हुए भारतीय सेना ने 14 मई 1999 को ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी इस अभियान में शामिल हो गई। उधर भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने युद्धपोत अरब सागर में तैनात कर दिए। इसके कारण पाकिस्तानी नेवी और कराची में पाकिस्तानी जहाज सक्रिय नहीं हो पाए। इस युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना ने अपने अभियान को ऑपरेशन विजय, जल सेना ने ऑपरेशन तलवार और वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया। करीब 2 महीने तक ये युद्ध चला और जुलाई के अंतिम सप्ताह में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने इस लड़ाई में आतंकवादियों का भी खूब इस्तेमाल किया। इस बीच भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए 5 जुलाई को टाइगर हिल्स के पश्चिम में .4875 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने द्रास और बटाली क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय सेना के साहस के आगे पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक दिए और 10 जुलाई 1999 से पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से पीछे हटने लगी। 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा की। 26 जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने सारे पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन को विजय दिवस मनाने का आह्वान किया। तो देखा आपने कैसे दुनिया की सबसे ऊंची लड़ी गई लड़ाई में, कारगिल की इस लड़ाई में भारतीय शौर्य की गाथाएं और पराक्रम की गाथाओं ने एक वो कारनामा करके दिखाया जिसे दुनिया आज तक मानती है। तो अब से बस थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इस युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से पहले हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। छब्बीस जुलाई 1999, बलिदान, साहस और विजय की अनगिनत कहानियों का दिन। इसी दिन मां भारती के वीर सपूतों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए कारगिल की ऊंची चोटियों पर जीत का परचम लहराया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ इस दिन जो विजय गाथा लिखी उसे हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है। ये है लमुचिन पॉइंट और मेरे ठीक पीछे कारगिल की वो पहाड़ियां जो आज भी गवाह है 18,000 फीट ऊंची उस लड़ाई की जिसने दुश्मन के तमाम इरादे नेस्त नाबूद कर दिए। भारतीय सेना ने इस घुसपैठ का पता लगाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया।
भारतीय सेना ने दुर्गम भूभाग और प्रतिकूल मौसम के बावजूद साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए धीरे धीरे पाकिस्तानी घुसपैठियों को कड़ी शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शुक्रवार को कारगिल युद्ध स्मारक पर पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत के इस विजय के पीछे कई सैनिकों का बलिदान छिपा था, जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया था। पाकिस्तान पर भारत की इस विजय गाथा ने कई फिल्मकारों को प्रेरित किया। विजय दिवस की रजत जयंती पर एक ऐसी ही फिल्म का वीर सेनानियों के परिवारों के लिए प्रदर्शन किया गया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। जीत के उन ऐतिहासिक पलों को याद करते हुए कारगिल के हीरो रहे सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर गर्व से भर उठते हैं। 17 गोलियां खाने के बाद ये जो हर एक पहाड़ी को आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों पर मेरे साथियों ने अपने लहू से इस हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है। वो योद्धा जिनके साथ हम लड़े हैं वो हमारे साथ में आज हैं, और उन दिनों की बहुत एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आज हमारे दिल में है, और हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। अपनी कारगिल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकुनला सुरंग परियोजना का वर्चुअली पहला विस्फोट भी करेंगे। शिंकुनला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए निमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 1500-800 फुट की ऊंचाई पर किया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुनला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। जीत के 25 बरस पूरे हो चुके हैं, भारत अपने वीर सपूतों को नमन कर रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, ये पंक्तियां यहां साकार हो उठती हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास को दुल्हन की तरह सजाया गया है, और क्यों ना हो, ये है विजय दिवस की रजत जयंती। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध में शहीद हुए तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे और वॉर वेटरन्स के साथ भी मुखातिब होंगे। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज द्रास। और शहीदों की शहादत पर जिस प्रकार से तमाम बातें या कहा जाए पूरा एक कोशिश है वहां पे प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद में, कैसा कुछ कार्यक्रम है और इस 25 वर्ष के इस सफर के मायने क्या है, इस पर दो खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MBH का चंकी चाट मसाला डालें। MBH का चंकी चाट मसाला। MBH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाय हाय ब्रो, हाउज योर वीक? यार सिविल का तो तुझे पता ही है, सेम ओल्ड रूटीन। व्हाट अबाउट योर्स? माइन was as exciting as ever. Join the Indian Army. और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मौका है 25 साल के उस सफर का जब 1999 में भारत ने करगिल में विजय हासिल की थी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करते हुए। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। कर्नल गिरीश कुमार जी मेदिरत्ता, जो कि खुद करगिल विजय में के उस समय मौजूद थे उस युद्ध में। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान लेफ्टिनेंट सैयद अता हसनैन साहब, जो कि पूर्व कमांडर हैं 15 कोर्प्स के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल मेदिरत्ता, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि करगिल के युद्ध को गोली बंदूक को और इससे ज्यादा कहा जाता है कि जज्बे से लड़ा गया, तो ये जीत ज्यादा जज्बे की थी। किस तरीके से आप 25 साल के बाद इस पूरी बात को याद करते हैं? मैं आपके सारे दर्शकों को अपना अभिनंदन देता हूं, और साथ में ही विजय दिवस की इस शुभ सुबह में आप सबको बधाई देता हूं।
मेरे को बहुत खुशी है कि आज मैं जिस चैनल में आपके साथ बैठा हूं, मेरे प्रीवियस जीओसी जनरल अट्टा हसनैन साहब भी मेरे को पैनलिस्ट हैं। आपने जज्बे की बात की, सही बात की आपने, बिल्कुल जज्बे की। भारतीय सेना का जो मेन मुद्दा है, मेन मोटो है, वो है नाम, नमक और निशान। भारतीय सेना नाम, नमक, निशान के लिए युद्ध लड़ती है और इस युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने इस नाम, नमक और निशान के लिए ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम इसमें विजय हासिल ना कर सके। हमने कई कहानियां सुनी होंगी अपने वीर सैनिकों की। आज इस शुभ अवसर पर कुछ ऐसी कहानियां भी मैं बताना चाहूंगा जो मीडिया में इतने जोर शोर से नहीं आई। सर अपनी बात पूरी करें। या मैं ये कह रहा था कि इस युद्ध में कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो मीडिया में नहीं आई हैं। There are lot of unsung heroes, I would say, who have not come into the limelight for various reasons. And it happens that way, ऐसा होता है लड़ाई में कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अपना मीडिया उनको हाईलाइट कर देता है, and not for any other reason, but because they did a wonderful job. But ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसे भी कई जवान हैं, ऐसे भी कई मार्टियर्स हैं जिन्होंने इस युद्ध में बहुत ही अव्वल दर्जे का अपना नमूना दिखाया। और इस युद्ध में मैं कहना चाहूंगा दो कॉम्बैट आर्म्स थी जिन्होंने बहुत उम्दे दर्जे का काम किया। पहली ऑफकोर्स जनरल अट्टा हसनैन साहब मेरी बात से मानेंगे, एक थी इन्फेंट्री जो आगे जाके लड़ी, जिनके नाम आप आज के सबके जुबान पे चढ़े हुए हैं, चाहे वो 2 राजरिफ है, चाहे 18 ग्रेनेडियर्स है, चाहे 8 सिख है। मगर इसके अलावा इस लड़ाई को सक्सेसफुल करने के लिए दूसरी जो कॉम्बैट आर्म थी वो थी आर्टिलरी, तोपखाना। तोपखाने ने जो काम किया उसका चर्चा मीडिया में थोड़ा कम हुआ है। मैं आज इस मौके पर मैं चाहूंगा कि हम उसके बारे में भी कुछ ज्यादा बात करें, कुछ आगे बात करें, और मैं आपको कुछ ऐसे किस्से बताऊं जो मीडिया में अभी तक नहीं आए हैं। बिल्कुल सर, आप जो बात कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक योगदान इतना अमूल्य है कि उसको किसी से कंपेयर करना एक तरीके से उसके सम्मान को कम करने के बराबर, हर एक का योगदान को सलाम भी देश करता है। हमारे साथ जनरल हसनैन साहब भी जुड़े हुए। हसनैन सर, 25 साल के सफर के बाद आज भारत की रक्षा सुरक्षा तैयारियों को किस तरीके से आप देखते हैं, और हमारे वीर बलिदानियों ने जिन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया नाप नमक और निशान को लेकर, किस तरीके से उनको आज याद किए जाने का दिन है? जनरल हसनैन, नमस्कार और जय हिंद। मेरी शुभकामनाएं सब दर्शकों को, खासतौर पर आपको और कर्नल मेहतिरता साहब को। उन्होंने बहुत कुछ बताया है मेरे बारे में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। मगर जहां तक आपका सवाल है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण अवसर है 25वीं वर्षगांठ कारगिल दिवस की। मैं उस वक्त 15 कोर में भी उसी वक्त सर्व कर रहा था, हालांकि कारगिल के जगह पर नहीं था, मैं विक्टर फोर्स में वैली के अंदर था। मैं समझता हूं जिस तरीके से भारतीय फौज ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया की कोई ऐसी फौज होगी जो इस तरीके से बेझिझक होकर और उन पहाड़ियों पर 18,000 फीट की पहाड़ियों के ऊपर इस तरीके से बेझिझक होकर हमला करके और उसे वापस छीन कर उस जमीन को लाएगी। मैं समझता हूं कि जितनी यहां पर 527 जाने यहां पर गई, 527 यहां पर शहीद हुए तकरीबन, मैं समझता हूं कि एक एक जो जान गई वॉज वर्थ द कॉस्ट दैट हैड डिलीवर्ड टू द नेशन। हम आज इकट्ठा हुए हैं, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भी वहां पर हैं इस वक्त। मैं समझता हूं कि एक बहुत जबरदस्त नेशनल ओकेजन है जिस पर हम श्रद्धांजलि इस वक्त इशू कर रहे हैं। जी कर्नल अवेदीरत्ता जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने दुनिया की, मैं आपसे ये चर्चा करेंगे, लेकिन हम एक सीधे इस वक्त कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कारगिल वार मेमोरियल की, जहां से इस वक्त सीधी तस्वीरें हमें, ये नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं इस वक्त जो कि दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर अमर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सेना के तमाम उच्च अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है और ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में उन
शहादत देने वाले हमारे देश के जावाज शहीदों के लिए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया है देश के सुरक्षा के लिए, तिरंगे के मान सम्मान के लिए। और शायद बहुत ही सैल्यूट जो होता है इस वक्त, वो ये दिखाता है कि कितने सम्मान के साथ उनके इस योगदान को आज देश नमन कर रहा है। और यह तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से राष्ट्रीय समर स्मारक से, जहां अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है उनके सम्मान में, ये लगातार ये तस्वीरें बनी हुई हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मेहदी रत्ता जी, कर्नल मेहदी रत्ता जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे ऊंची लड़ी गई जंग, जिसमें भारत के जावाज नीचे की ओर थे, नीचे से लड़के हमने ऊपर तक पहुंच के अपनी जीत को, बदली हुई बाजी को एक तरीके से दिखाया है। आपको लगता है कि जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि गोले बारूद ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई पाकिस्तानियों के पैर पीछे करने में, किस तरीके से उस योगदान को आप देख रहे हैं? जैसे जनरल अट्टा हसनैन साहब ने बताया, 523 हमारे वीर सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और दर्शकों की इंफॉर्मेशन के लिए, इसमें 26 ऑफिसर्स थे, 26 ऑफिसर्स और 501 जवान। क्या मेरे दर्शकों को पता है कि एवरेज एज क्या थी इन ऑफिसरों की? एवरेज एज ऑफ यंग ऑफिसर्स whom were martyred during this war was 22 years. 22 साल की उम्र के हमारे एवरेज एज थी हमारे जब ऑफिसर्स की। तो अंदाजा लगा लीजिए कि जज्बा, the motivation, ऑफिसर यूनिट में आता है अपने नाम नमक और निशान के लिए, उसने 2 साल या 3 साल की नौकरी की होगी यूनिट में आके, और उसको लड़ाई में जाना पड़ा, और उसने अपनी काबिलियत, अपना जज्बा उस लड़ाई में दिखाया। आपने बात की तोप खाने की, आर्टिलरी ने क्या किया था, कैसे उनके उनको बर्बाद किया, सही बात है। मैं इसमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा जी। आपको सबको पता है कि 3 मई को हमें पहला इंट्रूजन पता लगा था बटालिक सेक्टर में, और 3 मई से लेकर 13 जून तक जब हमने तोलोलिंग पे विजय हासिल की थी, उसके बीच में तकरीबन आप मान के चलिए 40 दिन हमको कोई सक्सेस नहीं मिली, हमें कोई विजय नहीं मिली, हम एकदम हमारी कमर जो थी दीवार के साथ टिकी हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि हम उनको सर, पीछे आपको विनम्रता से मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी वॉर मेमोरियल पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री भी यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। करगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, 1999 26 जुलाई का दिन जब हमने ये विजय हासिल की थी, उसके बाद में आज 25 वर्ष पूरा होने का मौका, देश के रक्षा मंत्री और तमाम सेना प्रमुख उनके साथ मौजूद हैं, और अमर जवान ज्योति पर दिल्ली स्थित अमर जवान ज्योति राष्ट्रीय समर स्मारक जहाँ पर पहुँचे हुए रक्षा मंत्री, वो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि पूरा देश 140 करोड़ भारतीयों की ओर से देश के सर्वोच्च जो नेतृत्व है वो उन शहीदों को नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है उनके इस योगदान के लिए। और आज भी हर भारतीय का सर इन शहीदों के सम्मान में झुका हुआ है, एक तरीके से एक संदेश होता है। और ये जो अमर जवान ज्योति आपकी जो लौ देख रहे हैं, ये बताती है कि लगातार ये संदेश जो उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया है, वो आज भी सबके दिलों में उस भारतीयता के जज्बे को रोशन किए हुए है।
तो दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक से आप ये तस्वीरें देख रहे थे, जहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों कमान के जो प्रमुख हैं वो पहुँचे हैं। अमर जवान ज्योति पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को नमन किया गया। तो वहीं ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कारगिल युद्ध में भाग लिया था। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में ब्रिगेडियर ठाकुर ने हमारे साथ तमाम अपनी यादों का साझा किया, 25 साल पहले की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको वो सुनाते हैं। आज है कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती और मेरे साथ है ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। ब्रिगेडियर खुशहाल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोगों की वजह से हम आज इस दिन को देख रहे हैं। क्या सेंटिमेंट है आज आपके दिल के अंदर, आपकी आंखें अभी से नम हो रही हैं? सबसे पहले तो कारगिल विजय दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई और आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस है और आज का दिन विशेष हो जाता है क्योंकि 25 साल का जो समय गुजरा है उसको आज हम मनाने जा रहे हैं। और आज जो हमारे वीर योद्धा हैं, रणबांकुरे हैं, उनके शौर्य पराक्रम और बलिदान को हम आज सलाम कर रहे हैं और बहुत आभारी हैं उनको। हाँ, ठीक कहा कि आज थोड़ा मन भर भी जाता है, वो पुरानी यादें इन चोटियों की, चाहे तोलोलिंग हो चाहे टाइगर हिल हो। और खास करके जो 527 रणबांकुरे आज हमारे साथ नहीं है और 34 मेरे पलटन के हैं, बिल्कुल उनकी यादें आज भी ताजा हैं और किस तरह उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी थी, वो मंजर भी बिल्कुल आज सामने है, वो यादें जरूर उठती हैं मन में। आपकी उस निर्णायक लड़ाई में वो कौन सी याद है जो आज भी आपके दिलो दिमाग में जज्ब है? नहीं, बहुत सारे 34 साथियों को मैंने खोया और उनकी सबकी यादें हैं, लेकिन इस लड़ाई में जैसे आप जानते हैं कर्नल आर विश्वनाथन जो मेरे सेकंड कमांड थे और सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे इस लड़ाई में, जो शहीद हुए थे और उन्होंने आखिरी जो दम है मेरी गोद में तोड़ा, जबकि हम तोलोलिंग के लड़ाई में हमले में थे और गुत्थम गुत्था की लड़ाई में वो शहीद हुए। और जब वो घर बात करना चाहते थे एक दिन पहले सैटेलाइट फोन से, वो बात भी नहीं कर पाए। तो इस चीज का तो मुझे जरूर मलाल है कि एक छोटे भाई को हमने खोया है, क्योंकि इन्फेंट्री में और यूनिट में हम पिछले तकरीबन 20 सालों से साथ थे, तो कहीं ना कहीं उनके खोने का गम तो है। आपने सुना ब्रिगेडियर खुशहाल की आंखें नम है उन साथियों की याद में जिनकी वजह से आज हम ये दिन मना रहे हैं। और खुशी इस बात की कि दुश्मन जो आज भी हमें चोटियों के उस पार से देख रहा है, इस बात से बाखबर है कि अब वो दोबारा नापाक हरकत नहीं करेगा। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, कारगिल। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ए संभाल कर, हां आई मारो पापा फॉरेन थी लाई आवियो। हां ए ए ए आई 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 ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर, रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कारगिल विजय दिवस के 25 साल का आज मौका और बेहद खास कार्यक्रम आज कारगिल वॉर मेमोरियल में होगा, जहां पे अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन किस प्रकार से तमाम शहीदों की शहादत को आज देश याद कर रहा है, ऐसे ही कारगिल युद्ध में शहीद हुए सूबेदार कृष्णनाथ के परिवार के साथ द्रास में मौजूद हमारे संवाददाता विशाल वैरिस्टो ने बातचीत की। क्या कुछ उनके भाव थे, आइए आपको सुनाते हैं। रजत जयंती हम मना रहे हैं उन जाबाजों की वजह से जिन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए न्योछावर कर दिए। मेरे साथ है शहीद कृष्णनाथ का परिवार और आप देख सकते हैं ये उनकी पत्नी है और उनकी पुत्रियां हैं। सबसे पहले मैं उषा जी से बात करना चाहूंगा जो शहीद कृष्णनाथ खड़गे की पत्नी है, वीर नारी है। ये बताइए उषा जी, आज जब हम रजत जयंती मना रहे हैं तो आपकी आंखें में अभी से आंसू है, किस तरह का इमोशन है? यह देश का से ये देश में सेवा करता है ना वो कृष्णा जी ने, उसलिए को देश में प्राण दिया उन्होंने। वैशाली ये बताइए कि आपकी माता जी एक वीर नारी हैं,
और उनकी आंखें नम है, किस तरह से 25 साल का वक्त गुजरा आप लोगों के लिए? हमें हमारे पापा पे बहुत गर्व और सम्मान है। मीन्स यहाँ पे 25 साल के बाद यहाँ पे हमें बुलाया, मिक्स इमोशंस है हमारे लिए, दुख भी है और इतना अभिमान भी है, गर्व से हमारी छाती फूल जाती है। सर हमें, हम लोगों ने 25 साल तक, मेरी माँ ने एक एक करके, मैं हम पांच बहनें हैं, एक एक करके सबको पढ़ाया, बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया। सर ये मेरी बड़ी बहन एडवोकेट है हाई सुप्रीम कोर्ट में और मैं एयर इंडिया में थी, और सर बहुत ही अभिमान की बात है हमारे लिए। सर अश्वी ये बताइए कि 25 साल कैसे आपने मम्मी को संभाला, छोटे थे बड़े हुए, किस तरह की अपब्रिंगिंग रही आप लोगों की? एक्चुअली मेरी मम्मी पापा दोनों दे आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, तो उन्होंने जरूरत नहीं पड़ी हमें उनको संभालने की, वही अब तक वही हमें संभाल रहे हैं। पापा तो नहीं, मतलब यहाँ पे शहीद हुए हमें तो बिलीव ही नहीं हुआ पहली दफा, बाद में जब भी हमें पता चला, बाद में रियलाइज हुआ कि एक हर एक साल छुट्टी आते थे तो ऐसे लगता था कि आएंगे, हमें तो लास्ट राइट में आने नहीं मिला, मम्मी आई थी। शहीद सूबेदार कृष्णनाथ खाडगे का परिवार, उनकी पत्नी वीर नारी और उनकी बेटियां, पांच बेटियों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, और हम मना रहे आज रजत जयंती। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज कारगिल। तो हर शहीद के परिवार की अपनी एक जुदा कहानी है, लेकिन सबसे बड़ी बात या साझा बात यह है कि पूरा देश ऐसे शहीदों की शहादत के साथ खड़ा हुआ है, उनके संघर्ष को नमन करने के साथ सलाम करता हुआ खड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे संवाददाता विशाल वरिष्ठों ने शहीद मेजर सीवी द्विवेदी के परिवार के लोगों से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपको वो भी सुनाते हैं। मेरे साथ है मेजर सीवी द्विवेदी का परिवार, वीर नारी, उनकी दोनों बेटियां, आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं। रजत जयंती है, आपकी आंखों में अभी से आंसू दिखाई दे रहे हैं मुझे। पहले भी हम बोले थे कि ये खुशी की और गम दोनों का आंसू है ये। एक्चुअली यहाँ आते हैं तो लगता है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं और उनसे हम मिलने जा रहे हैं। मेजर द्विवेदी की वजह से हम यहाँ पर इस दिन को मना रहे हैं। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था दोनों बेटियों को बड़ा करना? दुख में एक जो मेरा, मतलब ये गए, मेरे हस्बैंड गए, उसके बाद शायद मुझे लगता है कि यही मुझे हिम्मत भी दिए कि दोनों को पालना है तो तुमको स्ट्रांग रहना है, और एक फौजी की बीवी होने के नाते मैं, हम लोगों को स्ट्रांग होना पड़ता है। तो यही है कि उनकी शक्ति मेरे, शायद मेरे साथ थी कि मैं उस चीज को कर पाई। और आपको सीधे ले चलते हैं करगिल के वॉर मेमोरियल पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, वहां से सीधी तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त करगिल युद्ध स्मारक पर पहुंचे हुए हैं करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और वहां पर तमाम उन परिजनों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जो कि करगिल वॉर मेमोरियल से आई हैं, जो द्रास सेक्टर में बना है। करगिल युद्ध में शहीद होने वाले 526 सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए और ये तस्वीरें कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और 140 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अपने आप में वो उन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने कारगिल विजय की गाथा अपने सर्वोच्च बलिदान के साथ में लिखी थी। हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से वहां पे पुष्प वर्षा की गई। और ये तस्वीरों में जहां पर वो वॉल ऑफ फेम है, जहां पर तमाम उन शहीदों के नाम, उनके रैंक, उनकी उस बटालियन का जिक्र किया गया है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान कारगिल में दिया था। और ये अपने आप में वो दिखाता है कि उन शहीदों के शहादत को याद करने के लिए इस दीवार पर पीतल के बड़ी पट्टिका पर सभी का नाम अंकित किया गया है और यहाँ पर एक विजय स्तंभ के तौर पर उस प्रतीक को भी बनाया गया है, जो ये दिखाता है कि कैसे भारतीय रणवाकरों ने उस दुर्गम इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची लड़ी गई लड़ाई को जीत के दिखाया था। हमारे साथ में खास मेहमान कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता करने वाले कर्नल गिरीश कुमार मेहदीरत्ता जी लगातार जुड़े हुए हैं। और मेहदीरत्ता जी, एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि 25 साल के बाद देश का सर्वोच्च नेतृत्व जब उन शहीद जवानों को याद करता है हुआ मौजूद है, तो ये दिखाता है कि 140 करोड़ भारतीय सम्मान के साथ में वहाँ मौजूद हैं और सबका सर झुका हुआ है उन शहीदों के शहादत के आगे। कर्नल मेहदीरत्ता जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सर झुका हुआ है शहादत के आगे। मैंने आपको बता रहा था कि ये जो लड़ाई हुई है, ये हथियार इज इम्पोर्टेंट इन द वॉर, जरूरी है, बट इट इज मैन बिहाइंड द वेपन विच मैटर्स मोस्ट। एंड भारतीय सेना का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो यंग ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो अपना रण कौशल दिखाया, उस रण कौशल का कहीं पर भी दुनिया में आपको पैरेलल नहीं मिलेगा। मैंने आपको अभी पहले भी कह रहा था कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स थे, उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की एवरेज उम्र थी। और अगर आप रेशियो देखें जो हमारी कैजुअल्टीज हुई हैं उन रणबांकरों की, उस युद्ध के अंदर करीबन 500 रणबांकरे जवानों ने अपनी शहादत दी थी। और अगर आप रेशियो देखें तो ये रेशियो बनता है 1:16, यानी एक ऑफिसर के पीछे 16 जवानों की शहादत हुई थी। ये दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक कहीं नहीं हुआ है कि इतने इतने ऑफिसर्स अपनी जान की आहुति दे दें। तो ये लीडर्स जो थे, जो यंग लीडर्स थे, ये लड़ाई उन लीडर्स और ये जो हमारे रणबांकुरे जवान थे, उनकी मेहनत का फल है। सर आप जो ये बात कर रहे हैं, यहीं पे इस बात को मैं थोड़ा आपसे ही बेहतरी से समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने यंग ऑफिसर्स का जिक्र किया और उस वक्त शहादत देने वाले 526 लोगों की, जवानों की जो औसत उम्र आप 22 साल का जिक्र कर रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में शहादत होने की बड़ी वजह ऑफिसर्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी ये क्योंकि अपनी टुकड़ी का नेतृत्व तो खुद जो अधिकारी होता है वो स्वयं सबसे आगे रह के करता है। ये भी हमारे ऑफिसर्स के करेज को और कैसे लीड करना है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उस जज्बे को दिखाता है। किस तरीके से उस बात को आप रखेंगे आज सामने? मैं बिल्कुल आपको यही कहना चाह रहा था कि ये जितनी भी लड़ाइयां हुई वहां, जितनी भी लड़ाइयां हुई, चाहे वो बटालिक सेक्टर में हुई, चाहे कारगिल दरास मशको सेक्टर्स में हुई, चाहे वो तोलोलिंग की लड़ाई थी, चाहे वो 5140 की लड़ाई थी, चाहे 4875 की लड़ाई थी, चाहे टाइगर हिल की लड़ाई थी, हर एक लड़ाई में द ऑफिसर्स लेड फ्रॉम द फ्रंट। जब ऑफिसर आपका आगे चलता है तो जवान इज डबली मोटिवेटेड। ही सेज मेरा ऑफिसर आगे जा रहा है, तो उसके अंदर जो जज्बा पैदा होता है, और उस जज्बे की बहुत जरूरत थी उस लड़ाई में। मैं आपको बता रहा था कि ये चोटियां थी जहां पर दुश्मन बैठा हुआ था और हम खुले में नीचे से जा रहे थे, ओपन में वो हमारे ऊपर एम्ड फायर ला रहा था। उसी के बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था कि 3 मई से लेकर 13 जून तक हमें सक्सेस इसलिए नहीं मिली थी कि हमारा तोपखाना वहां पूरे तरीके से नहीं पहुंचा था। मगर जब हमारा तोपखाना वहां पहुंचा और दुश्मन का हमने सिर नीचे कर दिया, उसके बाद हमारे रणबांकुरों को रोकने वाला कोई नहीं था। यही मैं कहना चाहता हूं कि दुश्मन के जो 80% कैजुअल्टीज, 80% कैजुअल्टीज कारगिल वॉर में जो हुई हैं, वो आर्टिलरी फायर से हुई हैं। और उसके बाद हमारे लीडर्स और हमारे रणबांकुरों ने जो कार्यकुशलता दिखाई, जो रण कौशल दिखाया, उसकी मेन वजह यही है आज कारगिल की सारी चोटियां जिन पे दुश्मन हमारे ऊपर निफेरियस डिजाइंस लेके आया था, सब हमारे पास वापस है।
जी सर, आप जो बात कह रहे हैं अपने आप में, जब उसको सुन रहे हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि वो दृश्य अनायास ही मन में कौंधने लगता है कि कैसे दुर्गम परिस्थितियों में हमारे रणवाकरों ने इस वीर गाथा को अंजाम दिया, वहाँ पर उस शहादत के साथ में देश के मान सम्मान, तिरंगे के अब मान सम्मान के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। कौन से बड़े पड़ाव आप देखते हैं? आपने एक बात का जिक्र किया कि जब तोपखाने की एक तरीके से वहां हमारी मौजूदगी हुई, वहां से पाकिस्तानियों के पैर पीछे होना शुरू हुए, उसके बाद में तोलोलुंग की पहाड़ियां हो या फिर टाइगर हिल पर पुनः कब्जा करना या अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, आपको लगता है कि ये कुछ बड़े ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारे जवानों ने जो कारनामा किया उसने पूरी कहानी पलट के रख दी? कैसे आप याद करते हैं इन तमाम बड़े पड़ाव को? बड़ा पड़ाव मैं कहना चाहूंगा, ये तोलोलुंग की बैटल थी That laid the foundations. उसने नींव रखी थी हमारी जीत की, और वो नींव तभी रखी गई थी जब हमने एक नया कॉन्सेप्ट आर्टिलरी फायर में लाए थे, 100 guns, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, 100 guns हम एक टारगेट के ऊपर मार रहे थे, ऑलमोस्ट 9,000 rounds वर फायर ऑन द तोलोलुंग फीचर इन अ मैटर ऑफ कपल ऑफ आवर्स, कुछ ही घंटों में 9,000 गोले अगर आप एक टारगेट के ऊपर मारते हैं तब अंदाजा लगा लिए, इट इज समथिंग लाइक अ माइक्रो न्यूक विच हैज बीन फायर्ड। और जो हमने पाकिस्तान सेना के इंटरसेप्ट पकड़े, वो इंटरसेप्ट में यही बोल रहे थे कि हिंदुस्तान की आर्टिलरी ने, हिंदुस्तान के तोपखाने ने हमारे ऊपर कहर ढा दिया है, हमें बचाओ, वो अपने सीनियर्स को ये बता रहे थे। मैं आपको इसमें यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा, एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत इस लड़ाई से हुई थी, और उसके बाद इन्फेंट्री और आर्टिलरी का जो समन्वय हुआ था, जो कोऑर्डिनेशन हुआ था, जो मेल जोल हुआ था, वो एक मेन कारण था जिसकी वजह से। ग्रीश मणिरत्ना जी, अब आपको विनम्रता से रुकना चाहेंगे, कुछ और तस्वीरें और गौरव गाथाएं हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं इस मौके पर, जो कि लगातार ये याद दिलाता है कि 25 साल का जो ये सफर है किस तरीके से अपने आप में पूरा हुआ, और आज युद्ध स्मारक द्रास में, जो कारगिल युद्ध स्मारक है, वहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठा 7th Battalion 11th गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रोह सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रस्ते से आए हैं इसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 feet है। टाइगर हिल बाय दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाय एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बद्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलोलुंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे, जो उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम गुस्सा की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 के आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठा 7th Battalion 11th गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत
तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी ड्रोन सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप किस रास्ते से आए हैं, इसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल पाए दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न पाए, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बद्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे, जो उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम गुस्सा की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स थे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 फौज के आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स 17 व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जय हिंद। मैं राइफलमैन अमित सिंह और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठा 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी ड्रोन सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप किस रास्ते से आए हैं, इसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल पाए दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न पाए, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बद्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे, जो उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम गुस्सा की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स थे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 फौज के आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17 व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर।